सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पर सरकार नियंत्रण कसने की बात काफ़ी दिनों से कर रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं और ये काफ़ी सख्त बताई जा रही हैं। इन गाइडलाइंस के संदर्भ में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सोशल मीडिया पर अब आपत्तिजनक सामग्री की कोई जगह नहीं होगी। केंद्रीय कानून मंत्री ने साफ कहा कि जिस तरह से समाज में हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल लोग करते हैं, हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो सकारात्मक है, यदि नकारात्मक पक्ष को ध्यान में रखकर हम देखें तो हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उसे देखते हुए इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना बेहद ज़रूरी हो गया था, इसलिए अब सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट मंजूर नहीं होंगी। डिजिटल मीडिया को अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 13 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के मामले में केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी किया था और पूछा था कि फर्जी अकाउंट बनाकर समाज में जिस तरह से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं और विज्ञापन परोसे जा रहे हैं उन्हें आखिर कैसे रोका जाए, हेट स्पीच और फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने के लिए क्या सरकार सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून बना रही है या फिर नहीं, ये जवाब केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था और अब केंद्र सरकार नई गाइडलाइंस के साथ सख्त नियमों के साथ आगे आई है। नए नियमों की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अब सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि गलत संदेश या ट्वीट का ओरिजिन बताया जाना ज़रूरी होगा, यानी ऐसी कोई पोस्ट यदि आपत्तिजनक होती है और सरकार या कोर्ट ऑर्डर उसके खिलाफ मिलता है तो सोशल मीडिया कंपनियों को उसका ओरिजिन बताना पड़ेगा कि वो पोस्ट सबसे पहले किसने लिखी थी या किसने दूसरों को भेजी थी, यानी उसका ओरिजिन क्या होगा ये बताना ज़रूरी होगा। इन कंपनियों को अब 24/7 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताना होगा ताकि कोई यूज़र इनसे कॉन्टैक्ट कर सके। साथ ही इन कंपनियों को भारत में एक नोडल ऑफिसर रखना होगा, इसके अलावा एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा और रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर रखना होगा जो हर महीने रिपोर्ट देगा कि आखिर कंपनियों ने क्या किया, यानी कंपनी सरकार को हर महीने रिपोर्ट देंगी कि कंपनी ने कितनी पोस्ट डिलीट की और क्या क्या एक्शन लिया, अगर पोस्ट डिलीट की तो उसमें ऐसा क्या था और अगर एक्शन लिया गया तो क्यों लिया गया। यानी अगर आप देखें तो सोशल मीडिया कंपनियों को एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना होगा, शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा, एक ऐसा शख्स उनके पास होगा जिसके पास आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छी बात यह है कि यदि शिकायत मिलती है तो 24 घंटे के भीतर कंटेंट डिलीट हो जाएगा, उसे हटाना अनिवार्य होगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गाइडलाइंस का उद्देश्य ये है कि सोशल मीडिया खुद ये काम कराए, यानी हमें कोई कानून बनाने की ज़रूरत ना पड़े, हम गाइडलाइंस जारी करें और सोशल मीडिया स्वैच्छिक तरीके से काम करे कि कोई गुमनाम अकाउंट या फर्जी अकाउंट सोशल मीडिया पर ना घूमे। इसके अलावा यदि इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो सोशल मीडिया कंपनियों पर IT एक्ट के तहत ही एक्शन लिया जाएगा। यानी अगर आप देखें तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये किसी तरीके की नए कानून के तहत नहीं बनी हैं बल्कि IT एक्ट के अंदर ही आएंगी और ये गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के पास 3 महीने का समय होगा। आप भारत में बिजनेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। सोशल मीडिया के भारत में करोड़ों यूजर्स हैं लेकिन अब उन्हें इन गाइडलाइंस के तहत बंद कर चलना होगा। सरकार का कहना है कि सरकार के पास बहुत सी ऐसी शिकायतें मिलती हैं जहां सोशल मीडिया पर मॉर्फ तस्वीरें यानी कि छेड़छाड़ की हुई तस्वीरें शेयर की जाती हैं, उन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग किया जाता है। सिविल सोसाइटी से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामले पहुंच चुके हैं। ऐसे में आलोचना और असंतोष अपनी जगह है लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग की जगह यदि दुरुपयोग होने लगे तब इस तरह की गाइडलाइंस जारी करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा डिजिटल मीडिया पर भी नियंत्रण रखा जाएगा, यानी जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माफ़ीनामा प्रसारित करता है गलती करने पर, वैसे ही डिजिटल मीडिया को भी अब माफ़ी मांगनी होगी यदि वो कोई अफवाह या झूठ फैलाने वाली खबर
प्रसारित करता है, यानी डिजिटल मीडिया पर भी अब नियंत्रण कसा जा रहा है। तो OTT प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, अब सबके लिए नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। आप क्या समझते हैं, सोशल मीडिया पर क्या नियंत्रण कसना जरूरी है, और है तो क्या इन गाइडलाइंस से कोई असर अब सोशल मीडिया के यूजर्स पर पड़ेगा, कंपनियों पर पड़ेगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।